अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर हाजी सगीर सईद खान प्रदेश महामंत्री कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए गए। भाजपा सरकार की गलत एवं जन विरोधी नीतियों के विरोध में उत्तर प्रदेश सेवा दल ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। बता दें कि मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार पर गलत एवं जन विरोधी नीति, शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी जमकर लगाए। प्रदेश महामंत्री सगीर सईद ने प्रदर्शन के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि मुरादाबाद शहर सहित प्रदेश भर में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की हालत बेहद खराब थी। इलाज के अभाव में कितनी जाने चले गई, उनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुआ, लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। सफाई व्यवस्था की बात पर उन्होंने कहा कि शहर मुरादाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल गड्ढे और टूटी सड़क ही दिखाई दे रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। घरेलू गैस, तेल, पेट्रोल आदि के दामों ने आसमान को छू रखा है। आम आदमी बेहद परेशान है। ज्ञापन देने वालों में पंडित नितिन शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद कुंभर, महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, एस जमाल नासिर, शाकिर अली, उदयपाल सिंह, आजम अंसारी, मोहम्मद दानिश, गौरव सिन्हा, सुधीर पाठक, रईस खान, अनिल शर्मा काले, राहत खान, गोपाल रस्तोगी, राजेश सैनी, गंगाराम शर्मा, कपिल सक्सेना, अरविंद रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। कमेटी सेवा दल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल के आह्वान पर माननीय विनोद गुम्बर जी के निर्देश पर यहाँ कांग्रेस सेवा दल ने जन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। जो समस्याएं हैं, आपको स्वास्थ्य की हालत मालूम है कि कितने कोरोना काल में बेगुनाह हमारे लोग मारे गए हैं, बगैर इलाज के उनको इलाज नहीं मिला देश के अंदर, ना ही देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था थी कि वो लोग बच सकें, उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, उनको दवाएं मिल सके, उनको टीका मिल सके। और आज भी टीका उपलब्ध नहीं है देश के अंदर। लोग जा रहे हैं देश से, तमाम जगहों से वापस आ रहे हैं, टीका उपलब्ध नहीं है। तमाम तरह की बातें हैं और हमारे नगर निगम का क्या हाल है, चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है, नाले सीज पड़े हैं, हालात बहुत ख़राब है, यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था की हालत आप देख ही रहे हैं कितनी ख़राब है, यहाँ की सारी स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं, मुरादाबाद में कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। महंगाई की हालात ये है कि यहाँ पर जो सरसों का तेल 100 रुपये बिकता था पहले, वो आज 150 से 200 रुपये बिक रहा है। और इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं आसमान छू गए हैं। जो महिलाओं की गैस की रसोई का दाम थे, वो पहले इन्होंने कहा था कि हम 400 ही रुपये रखेंगे, अब 300 कर देंगे, आज उसको 1000 रुपये के करीब इन्होंने कर दिया है। हालात देश के अंदर जो चीज़ 10 रुपये थी वो 20 रुपये हो गई है, सब दुगनी हो गई है। मुनाफा खोर मुनाफा कमा रहे हैं और जो राशन दुकानदार हैं उन्होंने सारा राशन खुले बाजार में बेच दिया है। हालात बहुत ख़राब है, ना कोई डिपार्टमेंट देखने वाला है, रिश्वत का बाजार गर्म है। हम उसी को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए थे अखिल भारतीय कांग्रेस। आप लगातार महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, बराबर उनसे मांग कर रहे हैं, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे नहीं चल रही है। अंधेर नगरी चौपट राज है। प्रमुख सेवा दल जो पूरे देश के कांग्रेसियों को आचरण, प्यार, संविधान पर हम लोगों को सिखाता है कि हम लोगों क्या करते हैं। सेवा दल का एक बहुत अच्छा नारा है जिसको मैंने खासकर धारण कर रखा है, कर्म ही पूजा। वो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, वही उनकी पूजा है, वही उनकी बात है। आपने एक अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप बार बार महंगाई पे क्वेश्चन करते हैं, खुद तक क्वेश्चन एक बात एक ही नारे के साथ आपको ये बात बताते हैं, अभी तो ली अंगड़ाई है, छोड़ेंगे नहीं, बस सड़क पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अधिकारियों को झुकना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपने प्रदर्शन के दौरान अभी एक नारा लगा रहे हैं कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा तुरंगा, तथ्य पेश कीजिए। मेरी बात नहीं समझे, तिरंगा है, तिरंगे में हर जाति का मान सम्मान है। यहाँ देखिए ना, बिल्कुल तिरंगा में आप यहाँ देखिए ब्राह्मण, इधर देखिए आपका मोमडन, इधर देखिए हिंदू, इधर देखिए बनिया, इधर देखिए पंजाबी, इधर देखिए मोमडन, ये है पार्टी, इसे बोलते हैं तिरंगा। तिरंगा इसमें
हिंदू का अलग रंग है। सर कौन से तिरंगे की बात कर रहे हैं आप? तिरंगा हमारा तिरंगा, तिरंगा कांग्रेस का तिरंगा, तिरंगा तिरंगा वो तिरंगा वो झंडा है जो अपनी एक ही जाति पर डिपेंड, उसे बोलते हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देता है। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इसे बोलते हैं तिरंगा। तिरंगा वो है जो देश के संविधान को माने, वो वाला तिरंगा नहीं है जो पैरों के नीचे लोगों को कुचल दे, जिनकी अपनी घरों की रोजी रोटी, व्यापार की रोजी रोटी छीन ले, वो यहाँ पर राज नहीं कर सकते। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा नारा लगाया, पहले लगाया चोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। आपने कहा चोर है ये, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा, कौन दे रहा है बढ़ावा? यही तिरंगा दे रहे, यही दे रहे तिरंगा। हम तो अभी भी कह रहे हैं जिसको हिंदुत्व की बात की करनी हो वो आपके आरएसएस में चले जाओ, जिसको सुमंदन की बात करनी हो वो अपना मुस्लिम समुदाय बना ले, और जिसको फूलों के गुलदस्ते जैसा गंगा जमुना सरस्वती बनाना हो वो हमारे कांग्रेस।